माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चंद्रास सर और मैं विकास राठौड़। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप पढ़ने के लिए तैयार हो चुके होंगे। अगर आप चमत्कार नहीं कर सकते तो खुद एक चमत्कार बन जाइए। और आज के हम इस वीडियो लेक्चर में यही कुछ बातें करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लाए हैं आज आपके लिए, और जो आपके नीट एग्जाम को बूस्ट अप कर देंगे। आज आपके लिए लेके आया हूँ एक महागठबंधन, जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक तोड़ एक निचोड़, पूरी केमिस्ट्री की पाठशाला और बायोलॉजी की पाठशाला एक साथ यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आप देखने जा रहे हैं। इस तरह का एपिसोड अगर आपको पसंद आ जाए तो आप जरूर लाइक और कमेंट कीजिएगा, और नीचे लिखिएगा कि क्या ये एपिसोड इस तरह का एम्स के लिए भी आपको जरूरी है। अगर जरूरत है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए एम्स तक जारी रखूंगा। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने जितना मैंने लाइक मांगा था उससे कुछ बहुत ज़्यादा दिया और कमेंट भी ज़्यादा दिया। इस बार मैं आपसे 1000 लाइक की उम्मीद कर रहा हूँ, और सर आप कितना? मैं 2000 की। देखते हैं कितना किसको मिलता है लाइक। तो हम लोग भी तैयार हैं इस सीरीज के लिए, और इस सीरीज का नाम है महागठबंधन। जैसा आप देख रहे थे, सपना अपना, मैं भी डॉक्टर हूँ। तो धमाकेदार सीरीज का धमाकेदार क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले आपके लिए लेके आया हूँ। 2 मोल ऑफ लिक्विड पी एंड 3 मोल ऑफ लिक्विड क्यू आर मिक्सड। लिखना है इफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ पी क्यू आर 70 एंड 50 mm रेस्पेक्टिवली, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, इनमें से कौन सा कंडीशन होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको लिख रहा है कि पी भी लिक्विड है और क्यू भी लिक्विड है। इसका मतलब गिवन सिस्टम लिक्विड लिक्विड सिस्टम है, और अगर लिक्विड लिक्विड सिस्टम होगा और अगर आपको वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पूछेगा, तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने का जो तरीका होगा वो एक्स बी इंटू पी नॉट बी और प्लस एक्स ए इंटू पी नॉट ए। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब एक्स भी कैसे निकलेगा? ऑन मोल अपॉन टोटल मोल। तो मान लो इसको हमने मान लिया सॉल्यूट बी मान लिया, और इसको सॉल्वेंट हमने ए मान लिया, तो इसका लिखेंगे ऑन मोल मतलब 2 मोल अपॉन टोटल मोल 2 प्लस 3 5 मोल, और इनटू पी नॉट बी, इसका पी नॉट देखो वेपर प्रेशर ऑफ पी इन प्योर स्टेट कितना है 70, और प्लस एक्स ए निकालो आप, ऑन मोल अपना मोल एक्स ए का 3 मोल अपॉन टोटल मोल 3 प्लस 2 5 मोल, और इनटू पी नॉट ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है 50। यहाँ से सॉल्व करेंगे आप, आंसर लेके आएंगे 58 mm। लेकिन बात है कि सर कैलकुलेशन में भी तो टाइम लगेगा, तो इसीलिए तो मैं जाना जाता हूँ। आपने जैसा कमेंट में भी दिया था कि सर आपका नाम ही दे दूंगा ट्रिक के सौदागर, तो क्यों ना मैं ट्रिक एक और आपको लेके आ जाऊँ। ये लिख रहा हूँ कंडीशन ट्रिक नहीं है, ये महा ट्रिक है। ये जरा समझना ध्यान से क्या ये ट्रिक कहता है। बड़ा आसान कंडीशन है, आपको लिख रहा है कि 50 mm से लेकर कहाँ तक है 70 mm प्योर स्टेट में है इनका वेपर प्रेशर। मेरे भाई दोनों का एवरेज करो, दोनों का एवरेज करोगे अगर तो 50 + 70/2 कर दो आप, मतलब 120/2, तो ये आया 60। तो भैया जितना 60 से जो जस्ट पहले वाला आंसर होगा वही सही आंसर होगा, सो आंसर शुड बी दिस। बोलो आया समझ में? आप बोलोगे सर बिना पेन लगाए भी आंसर आ जाता है, ये तो इसीलिए तो आपका टाइम बचा रहा हूँ। क्या लाइक करेंगे आप? अब जरूर करेंगे। तो अगली बारी इस क्वेश्चन के बाद जो आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के बाद, वो बायोलॉजी की बारी। चलते हैं आपको लेके विकास सर के साथ। हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो है लैक ओपेरॉन के बारे में। इसे बोला गया है कि ई कोलाई सेल्स विद म्यूटेटेड जेड जीन ऑफ लैक ओपेरॉन कैन नॉट ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग ओनली लैक्टोज एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज मीन्स इसमें कंडीशन दी गई लैक ओपेरॉन की, और बोला गया है कि एक लैक ओपेरॉन जो कि लैक्टोज में ग्रो कर सकता है, और अगर उसमें जो जेड जीन है वो वर्क नहीं कर रहा है या फंक्शन नहीं है, तो इस पे इसकी ग्रोथ पे क्या असर पड़ेगा? आप बोलेंगे देखिए सबसे अच्छी इसमें ट्रिक क्या बनती है, जो लैक जेड जीन होता है वो एक एंजाइम सिंथेसाइज करता है जिसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज। जो बीटा गैलेक्टोसिडेज यहाँ पे बना है, अब ये लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करेगा। लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है, लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से दो शुगर बनते हैं, दैट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है, इससे दो मोनोसेक्राइड बन रहे हैं, एक बन रहा है ग्लूकोज और दूसरा बन रहा है गैलेक्टोज। ग्लूकोज यहाँ पे एक एनर्जी का सोर्स है, और ये एनर्जी ई कोलाई सेल्स को मिलती है फॉर द ग्रोथ। अब क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि अगर इसका लैक जेड जीन फंक्शनल नहीं है, मीन्स लैक जेड जीन वर्क नहीं कर रहा है, अगर लैक जेड जीन वर्क नहीं करेगा तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है सेकंड, दैट इज दे कैन नॉट सिंथेसाइज द फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसिडेज। अब शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो जैसा आप देख रहे हैं क्वेश्चन का घमासान बिल्कुल नीट 2019 के लिए जो आपने सोचा है, मैंने भी वही सोचा है। मैंने आपको बताया था नीट की राह बहुत आसान है, लेकिन आप दिमाग में गलत फहमी बैठा बैठे हो कि भैया बहुत मुश्किल है, कैसे मेरा सिलेक्शन होगा। देखो ज़रा ध्यान से इन क्वेश्चन के प्रैक्टिस करते जाओ, कॉन्सेप्ट खुलते जाएंगे, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो बायोलॉजी, क्योंकि नीट का बैकबोन है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखोगे आप, लिख रहा है द करेक्ट पेयर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इन सॉलिड PCl5। जरा ध्यान देना वर्ड, सॉलिड PCl5 एंड PBr5 इज रेस्पेक्टिवली, इनमें से सॉलिड PCl5 और PBr5 में
फॉस्फरस का करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रहे कि अगर आप PCl5 को गैसियस स्टेट में बात नहीं कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट में बात कर रहे हो, तो PCl5 टूटता है, PCl4 प्लस में एग्जिस्ट करता है और PCl6 माइनस में एग्जिस्ट करता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का लाइन है, आप ट्वेल्थ में भी क्वेश्चन पढ़ते हो कि वाई PCl5 एक्ट एज ए आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आप PCl5 देखोगे या PCl4 की अगर आप बात करोगे तो PCl4 आपके पास इस तरह का कंडीशन बनेगा, ये प्लस, और PCl6 की अगर आप बात करोगे तो PCl का हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आएगा sp3d2, मतलब ऑक्टाहेड्रल का कंडीशन आपके पास ये कंडीशन बनता दिखाई देगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ टेट्राहेड्रल sp3 है, ये sp3 क्या बनेगा? d2 बनेगा। क्या ये पेयर कहीं दिख रहा है? sp3 और sp3d2 एक साथ यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। इसका मतलब है कि अब आपको फिर से देखना पड़ेगा, अगले ऑप्शन की तरफ जाना होगा। PBr5, अगर आप PBr5 को भी सॉलिड स्टेट में आप देखेंगे तो सेम कंडीशन बनेगा ना, मतलब बनेगा PBr4 प्लस और दूसरा लिख रहा हूं PBr6 माइनस। आप सोचेंगे सर ऐसा ही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। फॉस्फरस का साइज छोटा है और छोटा फॉस्फरस जो है वो छः बड़े बड़े ब्रोमीन को सराउंडिंग में नहीं रख सकता। अगर छः बड़े बड़े रहेगा तो भैया स्टेरिक हिंडरेंस हो जाएगा। आप सोचो ना, एक छोटे से पार्टिकल पे छः बड़े पार्टिकल आएंगे तो ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। समझ रहे हो मेरी बात? ये खत्म हो जाएगा। सो बेसिकली ये केवल और ये केवल PBr4 प्लस और Br माइनस में एग्जिस्ट करता है। तो भैया इसका तो कोई हाइब्रिडाइजेशन होना नहीं है, PBr4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना है। अब भैया दिखाओ ये पेयर कहीं दिख रहा है? sp3 sp3d2, और इसका sp3 सो आंसर होगा इसका सी। बोलो, आया समझ में? धमाकेदार क्वेश्चन एकदम। तो इस क्वेश्चन के बाद लेके चल रहा हूं मैं आपको विकास सर की तरफ। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि ड्रोसोफिला पे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा। यहां पे क्वेश्चन में देखिएगा, इन अ क्रॉस ड्रोसोफिला द हेट्रोजाइगस मेंबर विद अ ग्रे बॉडी, मींस देखिए कंडीशन आती है यहां पे ड्रोसोफिला के बारे में। ड्रोसोफिला में यहां पे एक डाइहाइब्रिड क्रॉस बताया गया है, और डाइहाइब्रिड क्रॉस मींस इसमें दो कैरेक्टर्स लिए गए हैं। जो पहला कैरेक्टर लिया गया है वो लिया गया है बॉडी कलर, और दूसरा कैरेक्टर यहां पे लिया गया है विंग साइज। तो ड्रोसोफिला पे डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें कि एक बॉडी कलर है और दूसरा यहां पे विंग साइज। अब जो दो पेरेंट्स, हम पेरेंट्स की बात करेंगे, जो पहला पेरेंट यहां पे दिया गया है वो दिया गया है विद अ ग्रे बॉडी, विद अ ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग, और इसको क्रॉस किया गया है विद अ ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग। ग्रे बॉडी के लिए इन्होंने लिखा है बी प्लस, लॉन्ग विंग के लिए इन्होंने लिखा है वी जी प्लस, और ब्लैक बॉडी के लिए इन्होंने लिखा है बी एंड वेस्टिजियल विंग के लिए लिखा है इन्होंने वी जी। और क्वेश्चन इसमें पूछा गया, जब इनको क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस कराने के बाद हमको चार रिजल्ट्स मिलते हैं। चार रिजल्ट्स क्या है? देखिए पहला रिजल्ट ग्रे वेस्टिजियल 24, ग्रे लॉन्ग 126, ब्लैक लॉन्ग 26 एंड ब्लैक वेस्टिजियल 124। मींस इनको क्रॉस कराने के बाद हमको F2 जनरेशन में टोटल चार टाइप के ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं। पहले ऑफस्प्रिंग्स यहां पे दिए जा रहे हैं ग्रे वेस्टिजियल के यहां पे मेंबर्स 24 हैं। दूसरे दिए गए हैं ग्रे लॉन्ग के मेंबर्स यहां पे 126 हैं। तीसरे दिए गए हैं ब्लैक लॉन्ग के यहां पे मेंबर्स 26 हैं, और चौथे दिए गए हैं ब्लैक वेस्टिजियल के मेंबर यहां पे 124 दिए गए हैं। इसमें ड्रोसोफिला का एक डाइहाइब्रिड क्रॉस बताया गया है। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ क्रॉस करवाया जाता है, यहां पे जो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए गए हैं, एक लिया गया है बॉडी कलर और दूसरा लिया गया है विंग का शेप या फिर विंग का साइज। अब यहां पे देखिएगा इसमें क्या बोला गया है, इसमें जो पेरेंट्स हैं, सबसे पहले पेरेंट्स से स्टार्ट करते हैं। एक ड्रोसोफिला जिसकी बॉडी का ग्रे कलर है और उसके विंग्स लॉन्ग हैं, इसको क्रॉस किया गया है एक और ड्रोसोफिला के साथ जिसकी बॉडी कलर ब्लैक है और उसके विंग्स यहाँ पे वेस्टिजियल हैं। मींस पेरेंट्स हमारे पास दो हो जाते हैं। अब जब इसको क्रॉस करवाया गया तो F2 जनरेशन में हमको चार टाइप के मेंबर्स मिले। चार टाइप के मेंबर्स कौन कौन से देखिएगा, एक है ग्रे वेस्टिजियल जिसके 24 मेंबर्स आए, दूसरा है ग्रे लॉन्ग इसके 126 मेंबर्स आए, तीसरा है ब्लैक लॉन्ग इसके 26 मेंबर्स आए, और चौथा है ब्लैक वेस्टिजियल इसके 124 मेंबर्स आए। अब आखिर इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हमको रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बतानी है ऑफस्प्रिंग्स की। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमको रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो
होता है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स का मीनिंग क्या है, देखिए अब रिकॉम्बिनेंट्स आप पूछ रहे होंगे रिकॉम्बिनेंट्स है क्या, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट्स वो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं करते हैं। तो आप देखिए इसमें कौन कौन से ऐसे मेंबर्स अपने पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं कर रहे हैं, आप इसमें देखेंगे एक तो जो ग्रे वेस्टिजल वाला है और दूसरा जो ब्लैक लॉन्ग वाले हैं, ये अपने पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं कर रहे हैं। अब इसमें क्रॉस देखते हैं हम क्या आ रहा है, देखिएगा रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जिसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं देखिएगा 24 + 26, और ऑफस्प्रिंग्स हमारे पास टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 24 + 126 + 26 + 124 दैट वुड बी अराउंड 300। इसको हम क्रॉस करेंगे विद 100 तो इसका आंसर आ जाएगा 50/300 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट वुड बी अराउंड 16.66 और 16.7%। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकेंड, दैट इज 16.7%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आता है लेकिन डियर स्टूडेंट्स आपके दिमाग में बात आ रही होगी सर ये क्या है, एकदम बिल्कुल नया चीज, YouTube पे तो कभी देखा नहीं ऐसे कि एक तरफ फिजिक्स चल रहा है, एक तरफ केमिस्ट्री चल रहा है, एक तरफ बायोलॉजी चल रहा है। मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ, आपके प्रिपरेशन का बेस्ट आईक्यू लेवल चेक हो जाएगा आपको, क्योंकि दिमाग आपका कितना फास्ट चल रहा है, इधर केमिस्ट्री फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी देन नेक्स्ट केमिस्ट्री देन नेक्स्ट बायोलॉजी, आपका प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, आपको लगेगा ये तो कॉन्फिडेंस ही आ गया, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि मैं डॉक्टर बन ही गया, अभी अभी बाकी है, 22 तारीख के बाद बनोगे इसकी गारंटी है। देखना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिख रहा है विच मॉलिक्यूल इज प्लानर, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो प्लानर है, जिसमें आपके पास लिखा हुआ ये कंडीशन है एक एन सी एस थ्री और सी एस थ्री और सी एस थ्री एक से लिखा हुआ पहला, सेकंड कंडीशन आपके पास लिखा हुआ है एन एस आई एस थ्री और ये लिख रहा है एस आई एस थ्री और ये लिख रहा है एस आई एस थ्री, दूसरा कंडीशन ये है, एक कंडीशन लिख रहा है आपको एन और जर्मेनियम हाइड्राइड जी एस थ्री और ये भी है जी एस थ्री और ये भी हो गया आपके पास जी एस थ्री और एक कंडीशन बोथ बी एंड सी। चलिए देख लेते हैं हम लोग कंडीशन कहाँ पे कंडीशन है ऐसा प्लानर, प्लानर की बात कर रहा है, अगर प्लानर की बात कर रहा होगा दैट मीन्स एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा है, और अगर एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो 1, 2, 3 तीन बॉन्ड पेयर और वन लॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लॉन पेयर, सो स्टेरिक नंबर विल बी 4, सो 4 हाइब्रिड और मेटल इज रिक्वायर्ड दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी एसपी थ्री राइट। बट इन केस ऑफ क्वेश्चन लिख रहा है कि विच मॉलिक्यूल इज प्लानर, मतलब विच मॉलिक्यूल कंटेन्स एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड, समझ रहे हो मेरी बात। अब इधर देखो आप, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ भी सेम आप सोच रहे हो 1, 2, 3 सिग्मा है और यहाँ पे क्या है लोन पेयर, आप यहाँ भी सोचोगे सर 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर दैट मीन्स 4, मतलब यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी sp3, पर एक्चुअली दिस इज नॉट राइट आंसर। सो करेक्ट वेज क्या, देखना ध्यान से लिख रहा हूँ, करेक्ट वेज नाइट्रोजन कंटेनिंग लोन पेयर 1 लोन पेयर राइट, एंड इन केस ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन कंटेनिंग वैकेंट डी ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल, सो सिलिकॉन कंटेन्स 3d ऑर्बिटल एंड नाइट्रोजन कंटेन 2p ऑर्बिटल, सो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन कि 2p ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल अगर एक साथ दिखे इस तरह से अगल बगल तो 2p ऑर्बिटल के लोन पेयर इजिली 3d ऑर्बिटल में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे इजिली, बोलो क्लियर है। और अगर ये इजिली इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट करेगा तो इस तरह का बॉन्डिंग कहलाएगा बैक बॉन्डिंग। आप अगर देखा, आपने देखा होगा मेरे चैनल पे बैक बॉन्डिंग का वीडियो, बहुत पसंद भी किया था, बहुत बेहतरीन वीडियो आपको बैक बॉन्डिंग का दिया हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो तो आप पूरे 45-50 मिनट का वो वीडियो होगा लगभग, आप जाके देखिएगा क्या क्लास 1 वीडियो मैंने दे रखा है इस पर, बहुत सारे ट्रिक्स बता रखा हूँ उसमें भी। तो बोल रहा हूँ कंडीशन कि यहाँ पे लोन पेयर ये डोनेट करेगा और अगर डोनेट किया वैकेंट नियर बैटल को तो बैक बॉन्डिंग होगा और ये पाई बॉन्ड बनता दिखाई देगा, पी पाई डी पाई बॉन्ड बनता दिखाई देगा आपको। अब यहाँ से क्वेश्चन मार्क आएगा कि सर अगर ये पी पाई डी पाई बॉन्ड हुआ तो पाई बॉन्ड तो डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ओनली सिग्मा बॉन्ड टेक पार्ट, सो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड 1, 2, 3, सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी एसपी टू और sp2 मतलब प्लानर, सो आंसर शुड बी दिस राइट। अब आप सोचोगे कि सर इसमें क्या कंडीशन बनेगा, यहां भी तो लोन पेयर है और जर्मेनियम के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, माय डियर स्टूडेंट्स जरूर है, लेकिन ये ऑर्बिटल 2p है और ये ऑर्बिटल 4d है, सो 2p और 4d ऑर्बिटल के बीच में लार्ज डिफरेंस होगा साइज का, और अगर साइज का बड़ा डिफरेंस हुआ तो ये ऑर्बिटल दूर दिखाई देगा और अगर दूर दिखा तो ये लोन पेयर इसको डोनेट नहीं कर पाएगा और नहीं करेगा तो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगा, और अगर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हुआ तो 1, 2, 3 सिग्मा 3 और 1, 4 3 बॉन्ड पेयर और प्लस 1 लोन पेयर मतलब 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, सो प्लानर नहीं होगा, इसका मतलब एक सिंगल आंसर आपके पास ये निकल के आएगा।
क्लियर है यहाँ तक? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन देख रहे थे, अब लेके चलते हैं आपको बायोलॉजी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड चेन इज रिमूव ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन। अब सबसे पहले चीज देखिए, प्रो इंसुलिन होता क्या है? हम प्रो इंसुलिन को बोलते हैं एज अ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन। इट इज अ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन। अब इंसुलिन होता क्या है? कभी भी हम अपने फूड में ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं और उस ग्लूकोज का लेवल अगर हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाता है तो उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी इंसुलिन फॉर्म करती है। इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, लेकिन जो इंसुलिन हमारी बॉडी बन रहा है वो डायरेक्टली एक्टिव फॉर्म में नहीं बनता है, वो पहले एक इनएक्टिव फॉर्म में बनता है। उस इनएक्टिव फॉर्म को हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। अब प्रो इंसुलिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें तीन पेप्टाइड्स होते हैं। अब तीन पेप्टाइड देखिए कौन कौन से होते हैं। एक इसमें होता सी पेप्टाइड, ये टोटल 30 अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। दूसरा होता है ए पेप्टाइड, ये टोटल 21 अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। और तीसरा होता है सी पेप्टाइड, ये टोटल 30 अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। तो जो ये प्रो इंसुलिन का मॉलिक्यूल है इसमें तीन टाइप के पेप्टाइड्स हैं, ए बी और सी। तीनों पेप्टाइड्स आपस में जुड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं इसमें टोटल अगर हम देखेंगे तो 81 अमीनो एसिड्स का ये एक मॉलिक्यूल हो जाता है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि जब ये प्रो इंसुलिन मैच्योर होता है तो मैच्योरेशन में इसमें क्या चेंज देखा जाता है, इनमें से कौन सी पेप्टाइड इसमें से रिमूव होती है। अब देखेंगे कन्फ्यूजन, इसमें कन्फ्यूजन क्या है, इसमें तीन पेप्टाइड्स दिए हैं, ए भी दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है। अब कौन सा रिमूव होगा, कौन से के रिमूव होने से यहाँ पर मैच्योरेशन देखा जाएगा। आप नोटिस करेंगे इसमें जब ये मैच्योर होता है तो इसमें से इसका सी पेप्टाइड रिमूव हो जाता है। सी पेप्टाइड यहाँ पे इसको इनएक्टिव रखता है। जैसे इसमें से सी पेप्टाइड रिमूव होगा इसमें दो ही पेप्टाइड बच जाएंगे, एक बचेगा ए पेप्टाइड, दूसरा बचेगा सी पेप्टाइड। और दोनों पेप्टाइड आपस में आप देखते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट को देखेंगे या फिर साइज को देखेंगे तो यहाँ पे ए पेप्टाइड 21 अमीनो एसिड का है और बी पेप्टाइड यहाँ पे 30 अमीनो एसिड का है, तो जो मैच्योर पेप्टाइड होगा वो टोटल 51 अमीनो एसिड का हो जाएगा। तो अगर आप इस पूरे डायग्राम से देखेंगे ये बिल्कुल एक्जैक्टली एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया बिल्कुल एक्जैक्टली वही है जिसमें शो किया गया है कि इसमें से सी पेप्टाइड जब रिमूव हो रहा है तो ये मैच्योर हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, जिसमें से बोला जाएगा कि जब प्रो इंसुलिन मैच्योरेशन के बाद इंसुलिन में कन्वर्ट होगा तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी पेप्टाइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना, आप लिख रहा है CrH2O का होल 6 और Cl3 हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.83 bm बोर मैग्नेटो। मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 3.83 bm। बोल रहा है कंडीशन की फाइन नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो जाते हैं लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, तो बहुत आसान क्वेश्चन में से एक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो म्यू इक्वल टू लिखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर। आपको याद करो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू निकालने का तरीका था अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 bm, याद है कंडीशन जहाँ एन क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एन था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बड़ा आसान है, म्यू का वैल्यू आपको गिवन है 3.83, इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 लिखोगे, इसको इधर लाओ तो लिख सकते हो आप 3.83 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको देखो एन इंटू एन एन स्क्वायर हो गया और ये एन ए 2n हो गया। अब इसको भैया ओपन करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके एन का वैल्यू निकालोगे, बिल्कुल निकलेगा। अगर निकला ना तो आपका आगे का 5 क्वेश्चन छूट जाएगा, इतना टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन से बचना है तो एक बार और एक लेके आ रहा हूँ महाट्रिक आपके लिए। जरा देखो क्या ट्रिक बता रहा हूँ, समझना ध्यान से, ट्रिक की तो झड़ी लगा दिया इस वीडियो के अंदर। देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, आपके पास म्यू लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 3.83 लिखा हुआ है ना, तो 100% जो पहला डिजिट है वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो आंसर ये होगा, आप कहीं भी देख लेना इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो जो फर्स्ट डिजिट है वही आंसर। कैलकुलेट करने की जरूरत क्या, देखा आंसर टिक किया। ये क्वेश्चन अब स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताया जा रहा है। इसमें देखिए पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ह्यूमन स्पर्म, मीन्स टेस्टिस में जो ह्यूमन स्पर्म्स बनते हैं उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। अब इस सीक्वेंस को समझने के लिए आपको एक बार एनसीईआरटी में वो पूरा डायग्राम देखना पड़ेगा जो स्पर्मेटोजेनेसिस का बताया गया है। अब उस डायग्राम में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहले देखेंगे जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आप देखते हैं इनर लाइनिंग पाई जाती है जर्म सेल्स की। जर्म सेल्स मैच्योर होकर बनाते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से ही यहाँ से ऑप्शन स्टार्ट होता है। तो आप चारों में देखेंगे सबसे पहला स्पर्मेटोगोनिया वाले ऑप्शंस कौन कौन से हैं, एक तो ए वाला स्पर्मेटोगोनिया का है और सी वाला स्पर्मेटोगोनिया का है। इसके आगे स्टेजेस अगर आप देखेंगे स्पर्मेटोगोनिया से आगे चल के इसमें देखते हैं
सबसे पहले मियोसिस होता है, मियोसिस के बाद इसमें बनते हैं आपके सबसे पहले माइटोसिस होता है, माइटोसिस के बाद इसमें बनते हैं आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फाइनली इससे बनते हैं स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स मैच्योर होकर बनाते हैं स्पर्म। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बनने वाला है, सीक्वेंस क्या ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बनेंगे स्पर्मेटोगोनिया, इससे बनेंगे स्पर्मेटोसाइट, इससे बनेंगे स्पर्मेटिड, और फिर इससे बनेंगे स्पर्म्स। तो जो इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा, जो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें पूरा एक मैच्यूरेशन का स्टेजेस दिखाने वाले हैं, जो मैच्यूरेशन स्पर्मेटोगोनिया से लेकर स्पर्म तक के बनने तक के होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना, लिख रहा है टू गैसेस सो ब्लीचिंग इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड वन ब्लीचिंग इज परमानेंट एंड अदर इज टेम्पररी रेस्पेक्टिवली, बताओ इनमें से कौन सा परमानेंट है और कौन सा टेम्पररी ब्लीचिंग एक्शन है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लीचिंग एक्शन क्या है। अगर आप ब्लीचिंग एक्शन जानते हैं तो जानते हैं कि किसी भी कलर्ड सब्सटेंस को आप ब्लीच करते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, और कलरलेस दो तरीके से हो सकता है, आइदर ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, मतलब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। बराबर बात। अब कंडीशन है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी गिवन सब्सटेंस ब्लीचिंग एक्शन शो कर रहा है, बहुत आसान है, आप उसको उठा के पानी में फेंक दो। आप ये मत सोचना कि सर एग्जाम में पानी लेके जाऊंगा क्या, बिल्कुल नहीं लेके जाना है, तरीका समझना है। मान लो आपके पास Cl2 है, आपको नहीं पता चल रहा है कि ब्लीचिंग एक्शन शो कर रहा है, आप इसको उठाओ भैया और पानी में डाल दो। जैसे आपने पानी में डाला इसको, ये एग्जैक्टली इस तरह का कंडीशन है, Cl और ये है HOH, आप प्रोडक्ट आपको एक दिख दिया, क्या दिखा, HCl और प्लस HClO, मतलब ये बना HClO, और HClO अनस्टेबल होता है, ये टूटता है, किसमें, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, जो मेरे भाई नेसेंट ऑक्सीजन देगा वो ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग शो करेगा। तो जब भी आप यहाँ डालोगे, जब भी आप कलर सब्सटेंस पे ऑक्सीजन को डाल दोगे, इसको कलरलेस कर देगा, क्लियर है। अगर आप नेक्स्ट बात करते हो, मान लो आप कंडीशन लिख रहे हो O3 तो खैर पानी में फेंकने की जरूरत नहीं, इसको हीट कर दो, ये O2 और नेसेंट ऑक्सीजन देगा, नेसेंट ऑक्सीजन देगा, ये भी ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग शो करेगा। अगर आप Cl2 एक ऑप्शन आपके पास है, अगर आप Cl2 के अलावा अगर दूसरा ऑप्शन आप मान लो कहीं ये लिख रहा है SO2 को अगर डालना है आपको पानी में, SO2 को अगर पानी में आप डालोगे तो बेसिकली ये बनेगा H2SO4 और ये लिबरेट करेगा नेसेंट हाइड्रोजन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे, ये नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से ब्लीचिंग एक्शन शो करेगा, मतलब SO2 रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर ये रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एक्शन शो करेगा तो आपने जैसे इसमें हाइड्रोजन डाला कलरलेस किया, लेकिन इसकी एक बीमारी है, अगर थोड़ा दिन तक इसको हवा में छोड़ दो तो कलर रीअपीयर हो जाएगा, मतलब ये परमानेंट ना होके टेम्पररी शो करेगा। सो ये टेम्पररी है, जबकि Cl2 परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन है। सो आंसर होगा ये Cl2 परमानेंट, SO2 टेम्पररी। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, अगर ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तो चलते हैं अब बायोलॉजी के क्वेश्चन की तरफ। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पूछा गया है एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैज 24 क्रोमोसोम्स इन माइक्रोस्पोर मदर सेल, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म विल बी। इसमें कंडीशन क्या दी गई समझिएगा कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसमें टोटल 24 क्रोमोसोम्स दिए गए हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बेसिकली होते क्या हैं, दीज आर द मियोसाइट्स, और मियोसाइट्स आप जानते हैं दीज आर द गैमीट मदर सेल्स, और ये डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। दैट मीन्स ये 2n के बराबर होगा 24 क्रोमोसोम्स। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि जो n का नंबर होगा वो होगा 12। तो अगर हम एक एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म की बात करते हैं, अगर हम एक एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज 3n। अब ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि n की वैल्यू हमारे यहाँ पास 12 आई है। तो अगर आप 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 36। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एंडोस्पर्म में टोटल 36 क्रोमोसोम्स दिए गए हैं। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ 36 क्रोमोसोम्स इन द एंडोस्पर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से केमिकल काइनेटिक्स का ये लिख रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब ए नोट दिया हुआ है आपको, 10 mM दिया हुआ है, और हाफ लाइफ टी हाफ का वैल्यू आपको 20 सेकेंड दिया है। बोल रहा है लेट अमाउंट बताओ आफ्टर टाइम टी, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी क्या होगा जब टाइम 37.5 सेकेंड होगा। बड़ा सिंपल, अगर आप इसको फार्मूला से करना चाहोगे क्या, या ट्रिक लोगे, ट्रिक चाहिए, पहले फार्मूला भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप ए टी लिखोगे तो ए नॉट माइनस के टी लिखोगे, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ, टी दिया हुआ, हाफ लाइफ निकालने के लिए, ये के निकालने के लिए हाफ लाइफ दिया हुआ है, बोलो क्लियर है।
यहाँ से सबको पुट करेंगे आंसर आएगा, लेकिन हम पुट क्यों करेंगे, हम तो टाइम सेव करेंगे। चलो भैया ट्रिक क्या, महा ट्रिक। लो भाई महा ट्रिक। आप बोलोगे सर आपका वीडियो तो देख के लगता है जैसे ट्रिक का तो मैजिक ही चल चुका है। देखना ध्यान से इधर, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन। आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन 10 दिया हुआ है, दिया हुआ है आपको, बोल रहा है बताओ ये 20 मिनट में बोल रहा है तेरे को। देखना इधर हाफ लाइफ की हाफ 20 सेकेंड, अगर आपने 20 सेकेंड लिया मेरे भाई तो ये आधा हो गया कंसंट्रेशन 5, और इसका अगर हाफ आपने लिया 10 सेकेंड तो ये 2.5 हो गया, और अगर आपने इसका 5 सेकेंड हाफ किया तो ये भी हाफ 1.25, और अगर इसका आपने 2.5 सेकेंड कर दिया तो ये वैल्यू पॉइंट कितना आ जाएगा 625। अब जरा देखो ये 20 मिनट 10 मिनट कितना 30 35 कितना हुआ 35, और 35 बाई 2 मतलब 37.5 बोल रहा है, 37.5 में बताओ कितना बचेगा। तो लो ना भैया कितना बचा 0.625। देखा आपने, कोई फार्मूला नहीं, बिल्कुल धड़ाक से आंसर निकल गया आपको। ट्रिक समझना है ट्रिक। कल मैं कैंट्रिक्स की एक और बेहतरीन ट्रिक्स बता रहा था, वो नाइन वाली के काम, नाइन वाली, हाँ नाइन वाली बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी अंदर से बिल्डअप हो रहा होगा कि इस बार रिजल्ट होगा। और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तक आप लोगों ने लाइक जरूर किया होगा, कमेंट भी किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो आप मुझे सिर्फ ये सजेशन एक कमेंट में जरूर डालिए कि क्या इस तरह का एपिसोड, इस तरह का ट्रिक का जो कंटेंट मिल रहा है, जो इस तरह का ट्रिक का जो एकदम लहर चला हुआ है, ये लहर एम्स तक जारी रखना है। अगर रखना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके लिए जरूर लेके आऊँगा बहुत सारे ट्रिक्स का हुजूम लगा दूंगा। तो चलते हम लोग बायोलॉजी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, दैट इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर वाटर पोटेंशियल ऑफ प्लाज्मोलाइज्ड सेल विल बी। मींस पूछा गया है कि जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल होता है उसमें वाटर पोटेंशियल क्या कंडीशन बनती है। अब इसमें देखिएगा, जो नॉर्मल वाटर पोटेंशियल होता है दैट इज सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, देखिए वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। अगर हम इसमें देखते हैं कि जो प्रेशर पोटेंशियल होता है, प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू होती है टर्गर प्रेशर के बारे में या फिर टर्गर प्रेशर के बराबर। टर्गर प्रेशर क्या है, देखिए कि मान लीजिए एक सेल है, इसमें वाटर एंटर हो रहा है, तो वाटर के एंट्री के बाद ये वाटर इसके वॉल पे जितना प्रेशर लगा रहा है, इस प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो मीन्स एक सेल जिसमें वाटर एंटर हुआ है, वाटर के एंट्री के बाद ये वाटर इसके वॉल पे जो प्रेशर लगाएगा इसको हम बोलेंगे टर्गर प्रेशर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो प्रेशर पोटेंशियल के बराबर होती है। अब कंडीशन हमारे पास है एक प्लाज्मोलाइज सेल के बारे में। आप जानते हैं कि जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल होता है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल में वाटर लॉस हो जाता है या फिर इसमें से वाटर बाहर आ जाता है। अगर वाटर बाहर आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके वॉल पे कोई भी प्रेशर नहीं लगेगा। अगर वॉल पे कोई प्रेशर नहीं लगेगा तो आप देखेंगे कि जो इसमें प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू है वो जीरो से भी कम हो जाएगी, दैट मीन्स प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल दैट वुड बी नेगेटिव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी, दैट इज वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्ट पोटेंशियल माइनस प्रेशर पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से तो क्वेश्चन 3 से 4 बनते हैं, कोऑर्डिनेशन तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरूर देख लीजिएगा। और 7-8 वीडियो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डाला है, क्या क्लास 1 वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा तो मिस कर दी अभी तक, देख लीजिए जाके। 3 से 4 क्वेश्चन 15 से 16 नंबर गारंटेड घर में रखा हुआ है। देखो इधर, विच कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो पैरामैग्नेटिक होगा। मेरे भाई आप सबसे पहले ना हाइब्रिडाइजेशन निकालो, यहाँ देखोगे तो ये Fe2+ आएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2+ मतलब 3d6, बोलो क्लियर है, क्योंकि Fe2+ मतलब क्या हुआ 4s2 और 3d6, तो +2 मतलब 2 चला गया, तो 3d6। यहाँ देखोगे तो 4d6 आएगा, नीचे में एक सेल बढ़ेगा ना, इसके नीचे में भी एक सेल बढ़ेगा, 5d6 आएगा। आप सोचोगे कि सर ये तो आपको याद है ना, हमें थोड़े पता है कि आयरन के नीचे जो है वो ये RuR, इसके नीचे वो ऐसा ऑस्मियम वगैरह है। अरे याद रख लेना ना यार, इसको ऐसे याद रख लेना, ये है FeRuROS, ये याद रखना, फिर रूठा ओसामा। लो भैया एक और ट्रिक दिया आपको, ठीक है, ये मत सोचना कि सर निकल आ गया तो, अरे भाई निकल प्लेडियम पैलेडियम आ गया तो क्या दिक्कत है, याद रख लेना, इसे सुनना ध्यान से, ये लिख रहा हूँ नई पंडिताइन पटना की, ठीक है, आजकल पटना की बहुत घटना भी हो रहा है, देखना ध्यान से। अब बहुत सिंपल ट्रिक है आपके पास, यहाँ पे आयरन आ गया 3d6, यहाँ पे 4d6 और ये 5d6। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, तो आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ा हुआ है, तो आपने देखा होगा कंडीशन कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो है इन प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड जो है डिजेनरेट डी ऑर्बिटल टूटता है दो पार्ट, लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी पार्ट, और ये इसके बीच का एनर्जी बैरियर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है।
अब अगर आप देखोगे ये ईजी और टी टू जी ऑर्बिटल हैं, अगर आप यहाँ देखोगे कंडीशन तो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात समझना ध्यान से, क्या बोलने जा रहा हूँ टी टू जी और ईजी, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या बता रहा हूँ, 3D6 है तो D6 अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जरूरी पार्ट क्या है, यहाँ पे आयरन प्लस टू में अगर आप देखते हो ना, यहाँ पे इसका केस देखते हो, बोल रहा है इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक का केस होगा, तो पैरामैग्नेटिक का केस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, पैरामैग्नेटिक का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होना चाहिए। तो मान लो कि ये 3D6 है तो 1, 2, 3, 4 और 5 और ये बना आपके पास 6, ये आपके पास 6 बिल्कुल नहीं बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5 और ये बनेगा 6। एक्चुअली H2O क्या है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करेगा, तो भरेगा 1, 2, 3, 4, 5 और देन 6, क्लियर है। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4। आप सोचोगे सर तो यहाँ भी तो 4D6 है तो यहाँ भी तो आएगा, नहीं आएगा, क्यों ऐसा होगा पता है, जब आप नीचे चलते हो ना तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो एनर्जी बैरियर है वो एग्जैक्टली जो है वो बढ़ता है बहुत ज़्यादा, यहाँ नीचे आओगे तो जस्ट नीचे तो 50% लगभग बढ़ता है, उसके बाद ये और बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो एनर्जी बैरियर इतना बड़ा हो जाता है, ये गैप इतना बड़ा होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट नहीं कर पाता वीक लिगेंड होने के बावजूद भी, समझ रहे हो। अगर वीक लिगेंड था तब तो इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5 भरना चाहिए था, पहले सिंगली भरना चाहिए था, पेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन बोल रहा हूँ कि जब आप किसी भी ग्रुप में नीचे चलेंगे तो एनर्जी बैरियर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, और ये वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट पूरा बता रहा हूँ, अगर जंप नहीं कर पाएंगे तो यहीं पे पेयर करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड 0 मतलब डायमैग्नेटिक। जब भैया यहाँ डाया हुआ तो यहाँ तो और ज़्यादा एनर्जी गैप होगा, यहाँ और भी इलेक्ट्रॉन जंप करने की संभावना खत्म हो जाएगी, यहीं पे इलेक्ट्रॉन को पेयर करना उसकी मजबूरी होगी और आपको ये आंसर टिक करना मजबूरी होगा, समझ रहे हो। तो बहुत डिसाइड करके आपको रखना है कि आंसर को कैसे करना है, एकदम सटीक आंसर पे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी टी सी ए साइकिल्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन सुक्रोज मॉलिक्यूल। आप जानते हैं कि जो सुक्रोज होता है वो एक डाइसैकेराइड है और इसके हाइड्रोलिसिस से दो टाइप के ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं, या फिर बोलेंगे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब बोला गया है कि कितने टी सी ए साइकिल्स चाहिए होते हैं एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के। अब समझिएगा इसको, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, आप जानते हैं कि जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है तो इससे दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं पाइरूवेट के, ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनते हैं, दो मॉलिक्यूल्स पाइरूवेट के। अब आप जानते हैं कि जो दो मॉलिक्यूल्स पाइरूवेट के, इन दोनों को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए दो TCA साइकिल्स की जरूरत होगी। अब आप सोच रहे होंगे TCA साइकिल्स होता क्या है, TCM बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर इसका दूसरा नाम है क्रैब साइकिल, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, क्रैब साइकिल। तो आप कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए यहाँ पे दो TCA साइकिल्स चाहिए। तो क्योंकि सुक्रोज दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके बना है तो इसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए आप बोलेंगे कि जो सुक्रोज है इसका जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो इसे दो ग्लूकोज बनेंगे और दो ग्लूकोज के हाइड्रोलाइसिस के टोटल यहाँ पे 4 TCA साइकिल्स की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा केस है, यहाँ पे आप देखते हैं कि एक सुक्रोज मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे हो सकता है। अगर आप जानते हैं कि एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में कम से कम दो TCA साइकिल्स चाहिए तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे हमारे पास 4 TCA साइकिल्स चाहिए होंगी। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, दैट इज 4 TCA साइकिल्स। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास क्वेश्चन अगला है, लिख रहा है ये आपके पास 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1, SN1 की तरफ रिएक्टिविटी देखना है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना है पता है, कि जब भी सर आप SN1 की बात करोगे ना तो SN1 की रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है कार्बोकेटाइन। सो जब भी आपको रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1, ये एकदम दिल के राज की बात जान लेना है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्या लिख रहा हूँ, SN1 अगर आपको देखना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप ध्यान रखना स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1, बस इतना ही तो बात ध्यान रखना है। अब यहाँ देखो, यहाँ ये माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, ये आई माइनस आएगा तो ये प्लस बनेगा। अगर आप इसका देखते हो कंडीशन तो यहाँ ये आई माइनस है तो यहाँ पे प्लस बनेगा तो ये आपका बनेगा कंडीशन इंटरमीडिएट। यहाँ अगर आप इसका कंडीशन देखने की कोशिश करते हो तो ये माइनस जाएगा, ये प्लस आएगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा। और अगर आप इसका देखोगे ये सी एल माइनस तो ये प्लस बनेगा, मतलब इसका इंटरमीडिएट आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये आपके पास कंडीशन बनेगा, राइट। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा है
वो कंडीशन जो कि मोर स्टेबल होगा, जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इनमें सबको चेक करोगे तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सेकंड वाला। सो सेकंड ऑप्शन चाहे तो ये होने जा रहा है, चाहे ये होने जा रहा है। अब देखो ये एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, लेकिन यहाँ पॉजिटिव सिंगल डबल स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है। तो एरोमेटिक के बाद दूसरा रेजोनेंस देखना आपको प्रायोरिटी में, तो रेजोनेंस की प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, मतलब कि सेकंड के बाद फोर्थ, सेकंड के बाद फोर्थ, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये बोलो क्लियर है। और रेजोनेंस के बाद नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में कौन स्टेबल होगा? नॉन एरोमेटिक कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा, और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन अगर होगा तो मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 होगा। बस इतना ही तो फंड आपको ध्यान रखना है। कितना सुपर ट्रिक है, SN1 SN2 का क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका। SN1 करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देख लो, SN2 करना है स्टेरिक हिंडरेंस देख लो, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनएक्टिव जाइमोजेंस और प्रो एंजाइम्स आर प्रिकर्सर ऑफ ऑल द फॉलोइंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंजाइम एक्सेप्ट। मींस इसमें बताया गया है कि इन चारों एंजाइम्स के प्रो एंजाइम्स फॉर्म किस किस में पाए जाते हैं। चार एंजाइम्स आपको दिए हैं जिसमें से एक ट्रिप्सिन दिया है, काइमोट्रिप्सिन दिया है, पेप्सिन दिया और राइबोन्यूक्लिएज दिया है। इसमें पूछा गया है कि इन चारों में से किन किन के प्रिकर्सर फॉर्म और प्रो एंजाइम फॉर्म्स पाए जाते हैं। अगर आप देखते होंगे तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पेप्सिन की। पेप्सिन का जो प्रिकर्सर फॉर्म होता है वो होता है पेप्सिनोजन। क्या होता है? पेप्सिनोजन। और आप जानते हैं कि हमारे स्टमक में जो HCl प्रोड्यूस होता है, HCl के प्रेजेंस में पेप्सिनोजन एक्टिव हो जाता है पेप्सिन में। तो आप कह सकते हैं कि पेप्सिन वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा देखिएगा, यहाँ पे दिया है ट्रिप्सिन का। ट्रिप्सिन का जो प्रिकर्सर फॉर्म होता है वो होता है ट्रिप्सिनोजन। इसका क्या होता है? ट्रिप्सिनोजन। हमारे इंटेस्टाइन में, या फिर हम बोलते हैं हमारे इंटेस्टाइन से एक जूस बनता है जिसमें हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेस। एंटेरोकाइनेस, एंटेरोकाइनेस क्या करता है? एंटेरोकाइनेस इस ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। मीन्स आप कह सकते हैं ट्रिप्सिन का भी एक प्रिकर्सर फॉर्म प्रेजेंट है। अब जो ट्रिप्सिन है ये एक और प्रिकर्सर को एक्टिवेट करता है जो है कि हमारे पास क्राइमो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन को ये कन्वर्ट करता है काइमोट्रिप्सिन में। तो दैट मीन्स एक तो आप देख सकते हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, इन तीनों के ही यहाँ पे प्रिकर्सर या फिर प्रोएंजाइम्स फॉर्म प्रेजेंट है। तो मीन्स जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा राइबोन्यूक्लियस। मीन्स राइबोन्यूक्लियस को छोड़कर जो तीनों एंजाइम्स थे यहाँ पे, उन तीनों के यहाँ पे प्रोएंजाइम्स प्रेजेंट हैं या फिर प्रिकर्सर्स फॉर्म प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है वो बन जाता है राइबोन्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट्स, आप महागठबंधन के महा एपिसोड के आखिरी चरण पर पहुँच चुके हैं, और देखना अगला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि इस तरह का सीरीज एम्स तक, जिपमर तक कंटिन्यू रखा जाए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें और मेरी आवाज़ जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी फटी हुई आवाज़ के साथ भी आप इंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों तक पहुँच सके आराम से। देखना ध्यान से, लिख रहा है कि आइडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट। आइडोफॉर्म प्रिपेयर होगा केवल किससे नहीं हो सकता, तो लिखा हुआ ऑप्शन इससे, 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 इससे। अरे भैया बहुत आसान है, सबसे पहले ये तो पता चले कि सर क्या नेसेसरी कंडीशन है कि कोई कंपाउंड आइडोफॉर्म शो करेगा। अगर ये पता चल जाए तब तो आंसर खुद ही निकाल लेंगे। बस दो बातें हैं, लो भैया दिल की बात रख रहा हूँ अब तक। अगर किसी कंपाउंड में CH3CO ग्रुप दिख जाए, या अगर किसी कंपाउंड में CH3CHOH ग्रुप दिख जाए, तो आप आंख बंद करके बोलना कि ये आइडोफॉर्म देने जा रहा है। इनमें से कोई एक भी ग्रुप दिख जाए, देखो CH3CO दिख रहा है आइडोफॉर्म देगा, CH3CO दिख रहा है आइडोफॉर्म देगा, CH3CHOH दिख रहा है आइडोफॉर्म देगा। क्या यहाँ CH3CHO दोनों में कोई ग्रुप दिख रहा है? नहीं, आइडोफॉर्म नहीं देगा। तो लिख रहा है कि आइडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, कौन सा एक्सेप्शन है जो नहीं देगा? तो भैया ये नहीं देगा, तो आंसर होगा क्या? डी। बोला है समझ में? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पैरालिसिस ऑफ जॉ मसल्स इज ड्यू टू द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ विच क्रैनियल नर्व। अगर इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया कि पैरालिसिस ऑफ जॉ मसल्स, मीन्स जो जॉ है यहाँ पे पैरालाइज हो चुके हैं और जॉ वर्क नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए कौन सी क्रैनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पे देखिएगा, चारों क्रैनियल नर्व के बारे में आपको बताया, जो थर्ड क्रैनियल नर्व है इसको कहा जाता है ओक्युलोमोटर, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आई बॉल। मीन्स जो हमारे आई बॉल का मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू रेगुलेटेड होता है? क्रैनियल नर्व थर्ड। मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता,
सेकंड देखिएगा, सेवंथ की बात की गई है जिसको बोला जा रहा है फेशियल। फेशियल होता है हमारे सेवंथ क्रैनियल नर्व को कहा जाता है। इसका जो रेगुलेशन है वो हमारे मसल्स ऑफ फेस, नेक एंड च्यूइंग, ये तीन मेन फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं हम फिफ्थ वाले पे, जो बोला जा रहा है ट्राइजेमिनल। इसको डेंटिस्ट नर्व भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे टीथ और जॉ मसल्स दोनों को कंट्रोल करता है। तो दैट मीन्स अगर ये टीथ और जॉ मसल्स को कंट्रोल कर रहा है और अगर यही क्रैनियल नर्व डैमेज हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि जो जॉ है उसमें पैरालिसिस हो जाएगा। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फिफ्थ, दैट इज द ट्राइजेमिनल नर्व विच इज कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ जॉ एंड टीथ। तो आप कह सकते हैं जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फिफ्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना बिजी शेड्यूल मेरा होने के बावजूद भी हम आपको कंप्लीट टाइम दे रहे हैं, आपके लिए पूरा वीडियो बना रहे हैं। जैसा आप बोल रहे हैं कि सर हमें फिजिकल चाहिए, इनऑर्गेनिक चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बच्चों ने बोला सर बायोलॉजी भी चाहिए, तो हम रसायनम चैनल से बायो के सर भी लेके आ गए आज विकास सर को। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आप विकास सर को भी उतना ही सपोर्ट कर रहे हैं, रसायनम चैनल को भी उतना ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस चैनल पर मैं भी काम कर रहा हूँ, सर भी काम कर रहे हैं। और इस चैनल पर जैसा आप देख रहे हैं हमारे चैनल को, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वो बगल वाली जो घंटी है ना, वो बेल की घंटी, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मैं यहाँ से जैसे वीडियो डालूँ आपके स्क्रीन तक मैं पहुँच जाऊँ। और जरूर हमको बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। कमेंट बॉक्स में चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे और वीडियोस आएंगे जो हम एम्स और जिपमर के लेवल तक लेके जाएंगे। आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए इनकरेजमेंट है। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा, और बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से भी एंड बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।